संकल्प की शक्ति क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा। क्या आपका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, आपका मन पक्का है कि कोई भी चीज मैं करूंगा ही करूंगा? ऐसा यदि है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता ही जाएंगे और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। डिटर्मिनेशन नहीं होता है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है। और यदि आपको आपके मन का दृढ़ निश्चय बढ़ाने का है, मन का दृढ़ निश्चय, मन को ताकतवर बनाने का है, मन को दृढ़ निश्चय ही बनाने का है, तो आप कर सकते हो। देखो, तो आपका मन जो है वो आवारा होता है, बहुत ही आवारा होता है मन। हम चाहते हैं कि मैंने रोज एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज नहीं करूंगा मैं तो चलेगा नहीं, मालूम है। मगर होता क्या है कि आज का दिन एक्सरसाइज नहीं चल जाता है, मेरा निश्चय किया हुआ है मगर मैं एक्सरसाइज उस दिन नहीं करूंगा, कुछ बहाने बनाऊंगा और एक्सरसाइज नहीं होगी। आपको यदि आपका मन पक्का करना है, पावरफुल करना है, छोटे छोटे डिटर्मिनेशन करो, छोटे छोटे दृढ़ निश्चय करो, देखो आपको ताकत आ जाएंगी और आपको बहुत बल मिलेगा। छोटे छोटे क्या कर सकते हैं आप? देखो कि आज के दिन मीठा नहीं खाऊंगा, या मैं 8 से 7 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, या 4 दिन तक चाय नहीं पीऊंगा, या फेसबुक नहीं देखूंगा, या टीवी नहीं देखूंगा, या 7 दिन तक एक्सरसाइज किए बिना खाना नहीं खाऊंगा। जो भी आप जो करते हैं, अपने मन को बोलते हैं कि नहीं मुझे ये करना है और ये करूंगा, छोटा छोटा डिटर्मिनेशन करो, छोटा छोटा काम अपने मन को दो और उसको पालन करने के लिए दो, और वो करे बिना रहना है, रहने का नहीं है, वो करना मतलब करना ही है। इससे क्या होगा, इससे अपना मन जो है वो पावरफुल बन जाएगा, उसको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी। एक्सरसाइज कौन सी मिलेगी? ताकतवर बनने की। अब बालकनी में खड़े हो, बालकनी में खड़े रह के देखो कि भाई आज का दिन मैं नीचे देखूंगा नहीं, सिर्फ ऊपर देखूंगा। मैं कार में जा रहा हूं, गाना नहीं सुनूंगा, सिर्फ ड्राइविंग करूंगा और बाकी किसी से बात नहीं करूंगा, या खाना खा रहा हूं उस समय किसी से बात करूंगा नहीं। मतलब इस तरह के आप संकल्प करते हो तो देखो बहुत मजा आ जाएगा, आपका मन बहुत पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो आप करते जाएंगे। मराठी में कहावत है कि बोले तो ऐसा चाले तची बंदा भी पावले। इसका मतलब क्या होता है कि जो बोलता है और वैसा करता है उसके पैर छूना चाहिए, तो फिर वो आपको पॉसिबल होगा कि जो आप बोलते हैं वो धीरे धीरे करते रहोगे, और जो बोलता है वो करता है ना, डेफिनेटली आप सफलता के नई ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तो आप फोकस रहना बहुत जरूरी है, फोकस रहते नहीं हम लोग। हम क्या करते हैं, स्नान करेंगे, स्नान करने के समय और कुछ तो भी याद आ जाएगा, कुछ तो भी सोचेंगे, धंधे के बारे में सोचेंगे, किससे मिलना है उसके बारे में सोचेंगे। कुछ लोग खाना खाने के समय खाना खाते हैं, घर में बैठे एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के समय झगड़ा भी कर लेते हैं। खाना खाने के समय लोग होटल में जाएंगे, अपने फैमिली के साथ में होटल में जाएंगे, खाना खाने के लिए बैठेंगे और साथ में व्हाट्सएप देखेंगे, साथ में फोन फान करेंगे, वहां रहेंगे भी नहीं। बिकमिंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, जहां आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां उस समय 100% मौजूद रहो, प्रेजेंट रहो। देखो उससे भी आपका मन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। पावरफुल मन जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक बार वो पावरफुल मन डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है और मन बहुत पावरफुल है, डिटरमाइंड है, तो आप करके ही रहोगे। क्योंकि आज क्या है कि आज हम संकल्प करते हैं, शक्ति कुछ भी नहीं है, संकल्प करते हैं, मन आवारा है, बस 1 घंटे 2 घंटे बाद में फिसल जाएगा, बोल के नहीं आज नहीं कल से करूंगा और प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, छोटी चीजें करो वो पूरी करो, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो करना शुरू हो जाएगा और आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।